हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने डी ट्रिपल एस पी जी टी पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस देखेंगे। जो डी ट्रिपल एस पी जी टी पॉलिटिकल साइंस स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हमारा क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909 वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका हो, वो कल आपकी वीडियो में आपको देखने को, यानी डी ट्रिपल एस पी जी टी पॉलिटिकल साइंस के जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आपने देख लिया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपको क्या आपको वीडियो मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि PYQ और जो आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। 1919 सबसे पहली बात आती है भारत शासन अधिनियम के बारे में। अब भारत शासन अधिनियम जो है आपका, लिखिए यहाँ से मैं लिखवाना शुरू कर देता हूँ, कि भारत सरकार का, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी, कौन थे, मॉन्टेग्यू जेम्स फर्ड रिपोर्ट रिपोर्ट 1918, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है भारत सरकार का अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था। 1919 का उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो लिखिए इसमें कि इसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या उद्देश्य था, इसकी स्थापना करना था। अब आता है अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत के बारे में, यानी अगस्त घोषणा आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें भी लिखिए, इसका आता है, इस अधिनियम की प्रस्तावना में अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों को समावेश किया था। क्या किया था, समावेश किया गया था। अब आती है बात कि जो आपका भारत सरकार का अधिनियम 1919 है, ये लागू कब हुआ। एक तरह से आपसे कोई पूछने लगे कि भैया आपका घर की नींव आज रखी जा रही है, ये घर कब बन के तैयार होगा, और वो घर की बनने की तारीख क्या होती है, वो अलग होती है। तो इसी तरह क्या है, लागू कब हुआ आपसे पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ, यानी कि आपका लागू कब हुआ था, 3 जनवरी 1921 को हुआ था, ठीक है, हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 1919 का, यानी कि 1919 क्या आपका
3 जनवरी 2019 को लागू हुआ। फिर आती है कहानी, यानी कि फिर क्या आती है, फिर आती है हमारी ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 कब किया गया था? दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? लागू हुआ था। और आप आपको क्या बता रहा हूँ मैं, पारित किया गया था। लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1921। और आपका पारित कब हुआ? 19 दिसंबर 1919। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, क्या अपनाया था? द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली, ये सारे के सारे 1919 वाला मैंने कहा था, 1919 1935, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट मत छोड़ देना, एक भी पॉइंट मिस मत कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसीलिए लिखवाए जा रहे हैं जिससे आपको पता चले। फिर आता है आपका इस अधिनियम, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्य कारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन 2 भागों में, पहला कौन सा है? आरक्षित, तथा दूसरा है आपका हस्तांतरिक विषय में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? हस्तांतरित और इसमें विषयों में करा गया था। अब आती है बात हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी, आप सीधे पूरा लिखिए, हस्तांतरित गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। क्या करते थे? कार्य करते थे। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी हस्तांतरित। अब आरक्षित की पूछी जाएगी, यानी आरक्षित विषय किसके पर कार्य करते थे, सलाह करते थे, तो आरक्षित का भी लिख लीजिए, आरक्षित विषय यो पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह
पर कार्य करते थे। ठीक है, क्या हो गया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब आती है, यानी पहली बार किस, आपसे पूछा जा रहा है पहली बार किस अधिनियम में, या फिर किस कौन सा अधिनियम है जिसमें केंद्रीय प्रांतीय विषय को विभाजित करा गया? क्या करा गया? इस अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब आती है जो मेन इम्पोर्टेंट बात आती है, वो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन न्यायगत नियमों के अनुसार किए गए थे। ठीक है, तो किए गए थे किसके अनुसार? न्यायगत न्याय मन न्याय न्याय गमन होगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की, चाहे लाइब्रेरी की, चाहे किसी की भी, तो वो हमारे से प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकता है। और सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की भी प्रीवियस ईयर ले सकता है। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात, यानी कि भारतीय संविधान के में जो सरकार के एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि जो तैयार की गई थी, वो कौन से जो अधिनियम था, वो भी यही अधिनियम था, यानी कि इस अधिनियम में भारतीय संविधान में सरकार को एक आत्मक से, चलिए आगे चलते हैं, संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठ भूमि तैयार करने वाले कानून था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब आती है, यानी कि 1919 के अधिनियम का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए संघात्मक सरकार की तरफ था। चलिए आगे चलते हैं, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा
प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत केंद्रीय सरकार की होती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको मिलते आए हैं जितने भी TGT हुआ, PGT हुआ और जो पॉलिटिकल्स के जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर आपका बड़ा है, अभी तक आपके क्या है बहुत सारे चैप्टर आपको छोटे छोटे मिलते आए हैं, तो आपको चीज़ें समझ में कम, मतलब एक तरह से कम चीज़ें मिली होंगी। अब इसमें क्या है, ये जो 1909 है, 1919 है, 1935 है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा भी है चैप्टर ये। चलिए तो फिर आता है भारत सरकार, या इस अधिनियम में लिखते हैं हम, जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में गवर्नर का स्पष्ट टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था। क्या होता था? अंतिम होता था। फिर आता है आगे देखते हैं, भारत में गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो भी आपका क्या है, क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 9 है, 10 है, क्या एक, यानी कि आपसे इस तरह से पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है, यानी कि एक आपका क्वेश्चन आता है निर्वाचन क्षेत्र वाला, तो निर्वाचन क्षेत्र वाला क्वेश्चन लिखिए। इसमें क्या है, 1919 में के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था सिख को भारतीय ईसाई यूरोपीय वे एंग्लीय भारतीय के वर्गों के लिए की गई थी। ठीक है, क्या करी गई थी, इनके लिए की गई थी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी पड़ाव पे। इस अधिनियम में के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष
निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, चलो और देखते हैं हम इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है आपका। आपका है क्या है, इस अधिनियम में क्या हुआ था, एक चीज़ और हुई थी, यानी इस अधिनियम के यानी कि जो आपका 1919 का अधिनियम प्रांत में स्थापित करने होने वाले विधान परिषद की जो एक सदनीय प्रक्रिया के ऊपर था, यानी कि लिखिए इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद एक सदनीय प्रकार की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्या इम्पोर्टेंट आता है इसमें। और आता है आपका इस अधिनियम में इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों या दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था मनोनयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मनोनयन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फिर इस अधिनियम में प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग प्रकार निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ तक एक तरह से आपको कहीं ना कहीं जो 1919 के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता चल गई होगी। अब आता है यानी कि प्रांतीय विधानमंडलों के प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार इसी अधिनियम में हुआ था। किस अधिनियम में, यानी कि इस अधिनियम में लिखिए इस अधिनियम में प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया था।
चलिए आगे चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधान मंडल के बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था। चलिए बजट की बात समझ में आ गई, यानी बजट तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आया था यानी कि इसमें क्या हुआ, यानी कि 1919 के प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया 3 वर्ष के लिए। पहले आपने 2 वर्ष सुना होगा, अब आया था 3 वर्ष। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान सभा का कार्य काल निर्धारित किया, यानी 3 वर्ष किया गया था, 3 वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहीं पे आपके क्या है, गवर्नर की बात आती है, यानी कि इसमें क्या हुआ, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान सभा का सत्र बुलाने स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति गवर्नर में निहित थी। किसमें थी, निहित थी, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका लगा लीजिए इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, फिर आता है यानी कि इसमें क्या हुआ, आपकी जो यानी कि आपसे पूछा जाता है किस प्रांत के द्वैत शासन प्रणाली को संतोषजनक ढंग से कार्य किया गया था, यानी कि पंजाब प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर आता है मंत्री, यानी कि मंत्री गवर्नर परिषद, मंत्री गवर्नर के पर्यंत ही पद पर कर सकेंगे, यह व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा
दी गई थी। ठीक है, तो ये क्या कह रही थी, इस के द्वारा दी। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गई बात, यानी कि इसमें क्या हो गया, सारी चीज़ें आ गई। अब आपका यानी कि पंजाब भी आ गया, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब वायसराय के अनु यानी कि लिखिए आगे, थोड़ा सा बोर मत होइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहा है। आज तक इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 1909, 1919 और 1935 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी वायसराय की अनुमति हेतु वंचित शर्त थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यानी कि इस अधिनियम में एक और चीज़ आई थी, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी, यानी कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार दो सदनीय विधान सभा स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था, यानी कि दो सदन स्थापित हो गया। अब दो सदन जब स्थापित हो गया तो क्या हुआ, यानी कि यह अधिनियम जिसके द्वारा क्या है प्रांतीय राज्यसभा स्थापित की गई थी, यानी कि लिखिए इस अधिनियम द्वारा प्राथमिकता राज्य सभा स्थापित की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका 1900, यानी कि इस जो कार्यकाल था राज्यसभा का कार्यकाल, यानी कि 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य सभा का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष किया गया था। क्या क्या गया था, 5 वर्ष किया गया था, और ये क्वेश्चन भी आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है इस अधिनियम में अधिनियम के अनुसार विधान सभा में कर वृद्धि विषयक सभा यानी प्रस्ताव आर्थिक बिल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो एक तरह से, और ये अनिवार्य था,
यानी कि एक तरह से लिख लीजिए, ऐसे कर दीजिए कि यानी कि किया जाना अनिवार्य था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्धारित की गई। कितनी कह दी गई? न्यूनतम न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। ठीक है, कितने गई? यानी न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। अब आती है यानी कि इस अधिनियम में द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई। यानी कि कितनी कही गई? 3 से, यानी 2 से 3 करी गई, 2 से बढ़कर 3 कर दी गई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। अब आती है यानी कि इंडियन काउंसिल की बात आती है, जो कि आपका आता है, आपका पूछा जाता है। इस अधिनियम में, इस या फिर उससे पहले आपको एक चीज़ और लिखवा देता हूँ मैं, उससे पहले लिखिए इस अधिनियम नियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। क्या क्या है? कार्यकाल सृजन किया गया था। चलिए अब सृजन किया गया था तो अब इसकी कहानी भी समझ लीजिए। तो यानी कि इस अधिनियम में के अनुसार आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम विषयों पर भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था। क्या था? अति आवश्यक था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अति आवश्यक के बारे में, हम चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होगा।
क्या हो गया, बजट अलग अलग पेश होने लगा। अब लोक सेवा आयोग, यानी कि आपका जो लोक सेवा आयोग का जो है पहली बार यहीं स्थापित हुआ था, यानी कि 1919 में ही लोक सेवा स्थापित हुआ था। और पहले क्या था, जो आपकी लोक सेवा की परीक्षा थी वो कहाँ पर होती थी, लंदन। कहाँ होती थी, लंदन। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि लोक सेवा आयोग का, फिर आता है केंद्र सरकार के विहीन विषय। और विहीन विषय, और उससे पहले आपका क्या, आपको मैं बताता हूँ जो एक चीज़ और, यानी कि इस अधिनियम का कांग्रेस के मध्यमार्गीयों द्वारा स्वागत किया गया था। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। इस अधिनियम में, यानी कि आपको लिख देता हूँ मैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे। लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। पहला के लिखिए आपका, पहला आता है नाविक, दूसरा आता है सेना, तीसरा आता है आपका बाई संबंधी, चौथा आता है आपका भारतीय राजाओं से संबंध। ये सारे याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। पांचवें नंबर पे आता है रेलवे, छठे नंबर पे आता है डाक तथा तार, सातवें नंबर पर आता है मुद्रा, आठवें नंबर पर आता है ऋण आय के साधन, नौवें नंबर पर आता है आपका फौजदारी तथा दीवान कानून, और लास्ट आता है आपका अखिल भारतीय सेवाएं आदि। अच्छा, अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती है आपको पता है? क्या आपकी IAS आती है, क्या आपकी IPS आती है, और IAS IPS की अगर आती हैं तो उसके साथ कौन सी आती है? सारी की सारी अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं आती। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी आती हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि अखिल भारतीय सेवाओं में कौन सी आती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपका भारत सरकार अधिनियम
1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय, अब लिखिए इन्हें भी, थे। पहला है आपका, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, फिर आएगा स्वास्थ्य के बाद क्या होगा कृषि, उसके बाद क्या होगा उद्योग, फिर क्या होगा बिक्री कर, सहकारी समिति या भूमि कर प्रशासन, सचिव न्याय पुलिस तथा कारागृह आदि, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं विषय शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, एक आधा पॉइंट आपका वैसे डाउट छोटा मोटा सा वो आपका बता देता हूँ। फिर आता है मुंडी मन समिति, यह आपकी पूछी गई समिति है 1919 के अधीन नियम की जांच करने हेतु गठित किया गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन जो है, ये कोट आपका पूछा जाता है और ये कोट आपका आ चुका है, लिख लिए, ये यानी कि यह कथन संबंधित है लिखिए, यह आपका संबंधित किससे है, यह आपका संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विश अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब लास्ट दो पॉइंट बचते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और एक गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा वो लिख देता हूँ पहले, यानी कि महात्मा गांधी जी का कथन है कि जेम्स फोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे प्रांत बनाए रखने की
प्रक्रिया के ही अंग हैं या अंग थे। ठीक है, दूसरा कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी कि 1919 का अधिनियम भारतीय या भारतीयों के लिए बेड़ियां या बेड़ियों का नया जाल है, नया जाल था। और ये किसने कहा था आपके? सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और ये है आपका 1919 पूरा कंप्लीट करा दिया है, सारी चीज़ आपकी नोट करा दी, एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सारे नोट्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। PGT का एग्ज़ाम है, PGT का एग्ज़ाम हवा में मत लेना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।